हाय दोस्तों, स्वागत करते हैं चैनल पिट एजुकेशन में। आज आप लाई नई वीडियो जैसे देखा होगा अपनी शैक्षणिक स्थिति से अपडेट आ रही है न्यूज़ के माध्यम से भी। तो ऐसे ही UGC और आपके गृह मंत्रालय द्वारा भी आदेश जारी हो गए तो एग्जाम की डेटिंग बारे बात करने वाले हैं। तो देख सकते हैं जो भी आपके ऑफिस नोटिस मिलते हैं आपको शैक्षणिक साइट में मिल जाते हैं, और जो कुछ अपडेट होती है अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे होंगे आप, न्यूज़ के माध्यम से आपको पता चल रहा होगा। एग्जाम के बारे में क्लियर जानकारी नहीं मिल पा रही है कि एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे, बच्चे प्रमोट करे होंगे या नहीं होंगे, तो इसके बारे में कुछ नोटिस आ रहे हैं अखबार में, उनके बारे में बात बात कर लेते हैं। दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक स्किप करने से पहले लास्ट तक देखें, कुछ जगह जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कुछ टॉपिक आप दिखा देता हूँ आपको मैं, जो कि नोटिस के माध्यम कटिंग के माध्यम से दिए गए हैं, तो उसका थोड़ा ध्यान सुनेंगे आप, स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। तो चलते हैं उस नोटिस पे, तो देख सकते हैं यहाँ पर जो कुछ नोटिस आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये फर्स्ट आपको यहाँ पर देख सकते हैं। सेकंड वाले पे चलते हैं पहले, तो विश्वविद्यालयों में कह सकते हैं तो देश भर में भी कॉलेजों और नवंबर में शुरू होगा नया सत्र और HRD और UGC का फैसला। तो ये क्या चीज़ आपको बताता हूँ मैं, तो विश्वविद्यालय कॉलेजों में नवंबर से शुरू होगा नया सत्र। जो आपके बच्चों के एडमिशन चल रहे हैं तो नया सत्र स्टार्ट होने वाला था जुलाई से, स्टार्ट होता था हमेशा जुलाई अगस्त से, तो अब जो उसका सत्र होगा स्टार्ट वो नवंबर से स्टार्ट होने का प्रक्रिया बन रही है। गाइडलाइन जारी कर दिया, देख सकते हैं यहाँ पे देश भर में विश्वविद्यालय और कॉलेजों में जो 2020-21 में कह सकते हैं जो नए सत्र बनना है तो नवंबर में शुरू होगा। मानव संसाधन विकास जो आपका HRD है और रमेश पोखरियाल निशंक के अध्यक्ष में मंगलवार को मंगल विश्वविद्यालय अनुदान UCG के समेत बैठक में फैसला हुआ है कि इसके अनुसार जो अन्य परीक्षाएं होनी है कह सकते हैं यूनिवर्सिटी की परीक्षा होनी है तो अदर एग्जाम होंगे, जैसे कह सकते हैं आप JEE नीट का 2020 का रिजल्ट जो आने का अभी तक विश्वविद्यालयों में एडमिशन जारी रखना होगा ताकि कोई समस्या छात्र में दाखिले में कोई ना हो। तो UGC ने संचित गाइडलाइन आने के बाद भी अभी हाल ही में भी कह सकते हैं अभी UGC ने गाइडलाइन जारी कर दिया कि एग्जाम फाइनल एग्जाम होंगे तो सितंबर से पहले पहले भी एग्जाम कर दिए जाएंगे। तो ऐसे में DU कॉलेज में ओपन 15 अगस्त के बाद ही प्रशासन के 10 जुलाई से होने की परीक्षा महीने का स्थगित कर दिया गया है। तो जो एग्ज़ाम होने थे वह स्थगित कर दिए हैं, तो कुछ राज्यों ने अभी ये फैसला लेने से मना कर दिया कि एग्ज़ाम नहीं कराएंगे, तो उस पर देख लेते हैं हम। सबसे मोटे अक्षर में कह सकते हैं जो आपके यहाँ शस्त्र के बारे में बात की जा रही है, जो आपका शस्त्र स्टार्ट होना है एडमिशन जो चल रहे हैं तो उनका शस्त्र के बारे में ही बताया गया है इसके अंदर, और एग्जाम ना करने के बारे में अगले नोटिस पे देख लेते हैं। देखिए राज्यों ने अंतिम वर्ष के परीक्षा ना कराने का फैसला भी बदल दिया है, कह रहे हैं कि अब एग्जाम कंडीशन नहीं है कि कोरोना वायरस चलते हुए एग्जाम कराया जाए। तो राज्यों के अंतिम वर्ष की परीक्षा ना कराने का फैसला बदला होगा, तो राज्यों के अंतिम वर्ष की परीक्षा ना कराने का फैसला बदलना होगा। विश्वविद्यालय अनुदान UGC का कह सकते हैं तो सोमवार को 30 सितंबर तक, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था 30 सितंबर तक ये फैसला लिया गया था UGC की तरफ से कि बस बच्चों के सभी जो फाइनल ईयर वाले बच्चे हैं उनके एग्जाम कराए जाएं और बाकी जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को प्रमोट कर दिया जाए। तो किस आधार पर एग्जाम कराने के लिए प्रक्रिया बन रही है, तो यूनिवर्सिटी ने भी गाइडलाइन जारी नहीं की है क्योंकि UGC की तरफ से कोई नोटिस अपडेट नहीं हुआ है किस आधार पर एग्जाम होंगे। तो इसके तहत देश के सभी 750 विद्यालयों महाविद्यालय कह सकते हैं यूनिवर्सिटी जितनी है 45,000 कॉलेजों के जो UG कोर्स अंतिम वर्ष के छात्रों को परीक्षा अनिवार्य है, ऐसा UGC ने कहा था अभी। तो मानव संसाधन विद्यालय ने सभी राज्यों विद्यालयों को एक सूचना भेजी थी कि फैसला ISET की तकनीक कॉलेजों में लागू होगा। गौरतलब है कि कुछ राज्यों में प्रमोट करने का फैसला लिया था अभी, हरियाणा पंजाब राजस्थान महाराष्ट्र मध्य प्रदेश केरल और उड़ीसा के अन्य कोरोना वायरस चलते हुए तो विश्वविद्यालय में कॉलेज परीक्षा न कराने की घोषणा कर दी है कि कोई एग्जाम नहीं होगा। तो ऐसे में भी सिचुएशन बनी हुई है कि UGC ने गाइडलाइन जारी की थी 30 सितंबर तक एग्जाम सभी कॉलेजों में हो जाए। देश में जो इतने कॉलेज कह सकते हैं महावीर कह सकते हैं कि अभी एग्जाम होने की प्रक्रिया रोक दी गई है, देख सकते हैं आप बताया जा रहा है जैसे अभी। तो कुछ यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं जो आपकी मीडिया में आ रही है, तो देख सकते हैं जो आपकी प्रक्रिया बन रही है दोस्तों, एक साथ होगी वार्षिक सेमेस्टर फाइनल की परीक्षाएं, जैसे आप कह सकते हैं इस बारे में आपको बात की जा रही है। तो यूनिवर्सिटी जो आपकी तैयारी कर रही है गाइडलाइन जो जारी करने वाली है अभी, जो अगर UGC तरफ से नोटिस आता है तो सेमेस्टर परीक्षा होती है और जो ईयरली होती हैं, तो कह सकते हैं आपकी बीए के एक बार एग्जाम होते हैं तो सेमेस्टर वाइज नहीं होते हैं, तो उसके आधार पर जैसे सेमेस्टर वाइज होते हैं BCA BBA, तो इनके आधार पर दोनों की परीक्षा सेम हो सकती है। कंडीशन क्या होगी उसके हिसाब से आपको, कम बच्चों को कम पालियों में, ज़्यादा पालियों में ज़्यादा बच्चे बुलाए जाएंगे, क्वेश्चन मार्क कम किए जाएंगे, एग्जाम जो कह सकते हैं 50 क्वेश्चन जो होते थे टाइमिंग के अनुसार 6 पालियों में एग्जाम हो सकते हैं, क्वेश्चन कम कर दिए जाएंगे वो टाइमिंग आपको बढ़ा दिया जाएगा, 1 घंटा कर दिया जाएगा, तो इसके आधार पर भी क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो इसमें बात कर लेते हैं UGC की ओर से सभी विद्यालयों को सितंबर में 30
कराने का फैसला लिया था, तो शीर्ष प्रशासन ने भी कोई ऐसी गाइडलाइन जारी नहीं की है कि एग्ज़ाम आपके 30 सितंबर तक हो जाएं, तो ऐसा कंफर्म नहीं है, नहीं हो पा रहा है। तो किस आधार पर एग्ज़ाम हो गए इस बारे में बताया जा रहा है, जो पहले एग्ज़ाम हो गए थे बच्चों के, तो किस आधार पर उन बच्चों को पास किया जाएगा, तो ऐसी कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं हुई है। कभी केवल रोज़ अखबार में ये अपडेट आ रही है कि एग्ज़ाम होंगे, बच्चों को प्रमोट कर दिया जाएगा। कुछ पहले अभी जो सोमवार का अपडेट हुआ था, तो 30 सितंबर तक अब एग्ज़ाम कराने की प्रक्रिया बन रही थी। तो चौथे चरण के सौ कॉलेजों में कह सकते हैं वार्षिक प्रणाली को, जो BA, BSc, BCom और रेगुलर प्राइवेट के कक्षा आधार में जो भी बच्चों के एग्ज़ाम हो गए थे, तो किस आधार पर उनको पास किया जाएगा, उनके बच्चों के एग्ज़ाम के नंबर जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, और जो बच्चे बैक आ सकती है उनकी, तो किस आधार पर पास होंगे, तो क्लियर अभी प्रक्रिया नहीं बनी है। तो कह सकते हैं अभी क्लियर UGC ने क्लियर नोट्स अपडेट नहीं किया है, बस ये बताया था कि अभी जो फाइनल ईयर के बच्चों के हैं उनके एग्ज़ाम ज़रूर होंगे, ऐसा गाइडेंस ऑफिशियल भी जारी कर दिया गया है। और कुछ पर बात कर लेते हैं यहाँ पर जो नोट थोड़ी सी बारे में कह रखे हैं यहाँ पे, BSc जो छोत्र आप कह सकते हैं 80,000 जो दिए गए हैं वो जो एग्ज़ाम रुके हुए थे उनके, क्योंकि इस आधार पर उनके एग्ज़ाम होंगे, तो प्रक्रिया जारी नहीं हुई है। स्टूडेंट संकट में है कि अब एग्ज़ाम हो, कोरोना वैक्सीन चलते अगर कोई बच्चे संक्रमित होता है तो एग्ज़ाम की जिम्मेदारी कौन ले जाएगा, इसके आधार पर भी चर्चा चल रही है। एक और देख लेते हैं नोट सबको दिया गया है अभी, अगर प्रक्रिया बनती है एग्ज़ाम की, तो दोस्तों देख सकते हैं केंद्र सरकार के बाद ही फाइनल ईयर परीक्षाओं की तैयारी करने में जुट गया है। अभी जो अपडेट हुआ थी 30 तारीख से पहले 30 सितंबर से एग्ज़ाम हो सकते हैं, तो 28 दिनों में BA, 7 दिनों में BCom के पेपर होने की संभावना बना रही है विश्वविद्यालय। तो UGC के अनुसार परीक्षा जो साइन लास्ट ईयर की पे होनी है, तो 28 दिनों के अंदर BA की होगी और 7 दिनों के अंदर BCom की पूरी कर ली जाएगी। तो मुख्य परीक्षा के अनुसार फाइनल सेमेस्टर के कराने के विचार रखा गया है। फाइनल के निपटने के बाद जो आपकी जल्द प्रक्रिया जारी होगी वो आपकी एडमिशन के नए सत्र की जारी कर दी जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा समय न लेते हुए आप देख सकते हैं 28 दिनों के अंदर सभी प्रक्रिया पूरी सोच रहे हैं। 30 आपकी जो एग्ज़ाम की आपकी पॉइंट क्या समझेंगे दोस्तों, जो आपकी गाइडलाइन जारी हो सकती है वो अगस्त में हो सकती है परीक्षाएँ, ऐसा भी बताया जा रहा है। तो UGC ने निर्देश के अनुसार VV फिलहाल प्रदेशों के दादेश पर इंतजाज करेगा, तो 1-2 दिन में निर्देश मिल सकते हैं। उम्मीद है कुछ अनुशासन के मिलते ही परीक्षा शुरू कर दी जाएगी, यदि परिस्थिति सही रहती है तो अगस्त में पेपर शुरू करने का निर्णय बन सकता है। कम हो जाएंगे सवाल ले सकते हैं आप, जगह VV ने इसलिए परीक्षा के फाइनल ईयर के जो 2 घंटे का पेपर होता था ऑब्जेक्टिव में, वो पैटर्न घटाकर कम कर दिया गया है। कम क्वेश्चन आएंगे, मान लीजिए 100 क्वेश्चन आपके होते थे, 50 क्वेश्चन आएंगे, 1.5 घंटे में आपके एग्जाम का दिया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा पाली में आपके एग्ज़ाम कराए जाएंगे, ऐसी प्रक्रिया बन रही है। तो दोस्तों कुछ भी डाउटफुल आपके हो एक समय अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अपनी स्क्रीनशॉट भी लग सकते हैं इसका, कुछ आपको पॉइंट पूछना हो तो अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर दोस्तों मेरी जगह ज़्यादा पसंद आए तो वीडियो लाइक शेयर करना ना भूलें, और कह सकते हैं अगर प्रक्रिया ऐसी बनती है जिस द्वारा कोई गाइडलाइन जारी करती है कि अब एग्ज़ाम के रिलेटिव है, तो आपके दोस्तों एग्ज़ाम हो सकते हैं जुलाई को छोड़कर, कह सकते हैं जुलाई का महीना छोड़कर आपका एग्जाम में डेट शीट भी जारी कर सकती है अगर एग्ज़ाम होते हैं। अगर कोरोना वायरस का संकट ना जा पड़ता हुआ तो एग्जाम UGC गाइडलाइन जारी कर देगी 1-2 दिन में, जैसे ही आपको 29 जुलाई तक गाइडलाइन जारी करती है तो उसका बताया जाएगा। और कुछ इस प्रक्रिया देख सकते हैं जो आपके जो एग्ज़ाम को होना था अभी, और जो कह सकते हैं दोस्तों अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम आपको होना था BA एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होना था आपके जो एडमिशन होना था वो भी एग्ज़ाम स्थगित करने की प्रक्रिया बन रही है कि 29 जुलाई को जो आपका एग्ज़ाम होना था उसका भी क्लियर नहीं हो पा रहा था, संकट में चलते हुए पेपर रोक कराने की संभावना नहीं बन पा रही कि किस तरह का एग्ज़ाम हो, तो इसलिए एग्ज़ाम रोका जा सकता है। इसकी भी प्रक्रिया बन रही है कि एग्ज़ाम किस तरह कितने मंडलों में आपको कराया जाएगा, किस आधार पर किया जाएगा, तो अभी क्लियर जानकारी उसकी नहीं मिल रही है। ऐसी अपडेट आ रही है कि एग्ज़ाम आपको रोका जा सकता है अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है तो। अदरसा कह सकते हैं BA के एग्ज़ाम जो फॉर्म भरे जा रहे हैं तो दोस्तों उसकी देख सकते हैं उसकी भी देरी था, अब लास्ट डेट है तो जल्द जल्द फॉर्म अपना भर लें, बहुत ही सावधानी से फॉर्म भरें, अगर कोई गलती आप करते हैं तो वही मैं आपको हर बार बताता हूँ, अगर कोई गलती फॉर्म में करते हैं तो फॉर्म में आपकी मिस्टेक बाइक साहब की शिशनी साइड पर कर सकते हैं। कुछ अभी अपडेट आ रही थी दोस्तों, कोई कमेंट आ रही थी दोस्तों फॉर्म भरते हुए समस्या आ रही है, तो दोस्तों साइट बहुत वीक चल रही है, कह सकते हैं अभी साइट बहुत वीक चलने के कारण फॉर्म अपना ध्यान से भरेंगे, कह सकते हैं जो फर्स्ट ईयर मैन फॉर्म भरे जा रहे हैं आपके, इस बारे में आपको बताया था मैंने, आपको मैन को क्लिक कर लेंगे, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जो दिया गया BA सेकंड फर्स्ट पर क्लिक कर लेंगे, और यहाँ पर जो पॉइंट दिया गया है जो BA का दोस्तों अपने किसी कोर्स में ग्रेजुएशन अपने की है तो उसके आधार पर आपको नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं, जो एलिमेंट नंबर को
यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका बीएड का एंट्रेंस एग्जाम जो आपने दिया होगा तो उसके यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर डाल सकते हैं। रोल नंबर आपका नहीं डालना है तो उसका एलोमेंट नंबर जा कह सकते हैं, जब आपने किसी चीज़ में ग्रेजुएशन की है, जब आपने बीकॉम किया है, बीए किया है, तो अपने आप ये जैसे कहते हैं यहाँ पर नंबर डाल सकते हैं और ये कैचअप डालने के बाद सबमिट कर सकते हैं। जो आगे की प्रक्रिया होगी आपकी, तो दोस्तों उसकी वीडियो बनाई गई तो बहुत ध्यान से फॉर्म भर सकते हैं, ध्यान देख सकते हैं। फीस ऑनलाइन हो रही है तो फीस अपने फ़ोन के माध्यम से फीस जमा कर सकते हैं, बहुत ही सरल माध्यम से प्रिंट भी निकाल सकते हैं। इसकी वीडियो आपको बना दी गई है, अगर फॉर्म आपको जमा कर लिया, आपने फीस जमा कर लिए तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, तो उसके वीडियो की देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आपको मिल जाएगी, प्ले लिस्ट में सीजनिंग साइट पर जाकर। तो स्टेप बाई स्टेप सभी आपको जानकारी दी गई है दोस्तों। किसी वक्त समस्या आपको आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और न्यूज़ के माध्यम से देख सकते हैं। मैंने जब आपको बताया तो विश्वविद्यालय कब जारी होगा, नवंबर में हो सकता है, और जबकि एग्ज़ाम लेने का फैसला भी क्लियर नहीं हो पा रहा है इस चीज़ को, कब एग्ज़ाम हो, कैसे हो, कब हो, तो ऐसी नई अपडेट देख लीजिए दोस्तों। कैसे कर लें, अगर तो मेरी का जानकर कुछ पसंद आए तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। कोई अपडेट हो तो सीनियर साइट पर आपको देख सकते हैं, यहाँ पर सभी अपडेट मिल जाती है स्टेप बाय स्टेप करते हुए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डायरेक्ट इस पेज पर आ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।